लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर क्या? पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। हम खुद भी तो इरफान को नहीं भूल पा रहे हैं। अल्ताफ तो बच्चा है, कैसे सब कुछ भुला पाएगा? वो तब तक नहीं भूलेगा जब तक हम अपने गम को नहीं भूलेंगे। इतना आसान नहीं नीलू। आसान तो नहीं है, लेकिन देखो भूला नहीं, छिप गया। प्यारा लगता है ना, सिर्फ 5 महीने के थे जनाब। कितनी भी कंघी करो, इसके बाल सीधे ही नहीं रहते थे। पागल, आपका नाम नीलिमा क्यों है? क्यों है मतलब? मेरी माँ ने रखा है। लेकिन ये तो हिंदू नेम है। हाँ, ये भी तो हिंदू है। फिर आपकी शादी कैसे हुई? जैसे सबकी होती है। यहाँ, अगर इनका नाम नीलिमा नहीं सलमा होता तो क्या ये बदल जाती? मैंने इनसे प्यार किया है, इनसे शादी की है मैंने, इनके नाम इनके मजहब से नहीं। कुछ गलत किया मैंने? कुछ गलत किया है मैंने? नहीं। आप आउट हो गए, आप आउट हो गए। जाके बोलिंग कर बच्चे। नहीं मम्मी, देखिए ना आप चीटिंग कर रहे हैं। आप आउट हो गए, मुझे बैठ दीजिए। आप आउट हो गए। क्या बोला तूने? आप चीटिंग कर रहे हो। उससे पहले आप आउट हो गए, छोड़िए ना। अम्मी को क्या बोला था? अम्मी को? आप चीटिंग कर रहे हो। उससे पहले अल्ताफ। क्या बार बार पूछ रहे हो, छोड़िए मुझे। अब्बा बॉल। अब्बा आप बैठा बैठा किसका मुंह देख रहे हो? बॉलिंग कीजिए ना अब्बा, बॉलिंग कीजिए। क्रिकेट के बारे में पता भी है क्या? मैं आउट नहीं हूँ, मैं अम्मी को बोल दूंगा। अभी बॉलिंग कीजिए आप, बॉलिंग कीजिए ना अब्बा। अब्बा मैं आउट नहीं हूँ, आप बॉलिंग कीजिए अब्बा। तुम आउट हो चुके हो बेटे। मैं बात नहीं करूंगा तुमसे अब्बा, तुम बॉलिंग करो। मैं आउट नहीं हूँ, अम्मी अब्बा को बोलना बॉलिंग करे। कहाँ हैं आप? अल्ताफ कब से बोल रहा है बॉलिंग करो बॉलिंग करो? अब्बा बॉलिंग कीजिए ना, कीजिए ना बॉलिंग। आज उसने मुझे अब्बा कहा। मुझे अम्मी कहने के 6 महीने बाद कहा। अरे तो क्या हुआ, अब्बा कहा तो सही। जानती हो जब उसने मुझे अब्बा कहा ना तो मुझे इरफान दिखाई दिया। फिर तुम आ गई। फिर क्या?
अल्ताफ को अकेले छोड़कर गए। पता नहीं उसने खाना खाया भी या नहीं। अरे खाना खा लिया होगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? बहुत देर कर दी हमने आने में। शायद सो रहा है। नीलो मेरा रिवॉल्वर। और आप हैं हमीद रामपुरिया। जी नहीं जनाब, मुरादाबाद से हूँ। है तो दोनों हिंदुस्तान में ही। सुना है अफगानिस्तान में रूसी टैंक छोड़कर भाग जाया करते थे आपके नाम से। नाम को छोड़ो, काम मिशन कश्मीर ये काम हो जाएगा। ताम पैसे की परवाह मत कीजिए, आप हमारा मिशन पूरा कीजिए, हम आपको मंगा दाम देंगे। सन 47 से अब तक जितने हमले हिंदुस्तान पर हुए सब सरकारी हमले थे। हमारा किसी सरकार से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा एक आजाद लश्कर है और हम आजादी के सिपाही हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मिशन कामयाब होने के बाद वे मुसलमान भी इस जिहाद में शामिल होंगे और हमारा ये गुमनाम लश्कर दुनिया के मुजाहिदीन में सबसे रोशन नाम होगा। सन 71 में हिंदुस्तान ने एशिया का नक्शा बदला था, इस बार हम हिंदुस्तान का हुलिया बदल देंगे। हर बड़े मकसद के लिए कुर्बानी भी बड़ी दी जाती है हिलाल, और इसका इनाम भी बहुत बड़ा होता है इंशाल्लाह। 1 करोड़ डॉलर, 2 करोड़। जिहाद की राह में लगाई गई रकम किसी ज़कात से कम नहीं होती, लेकिन इस मिशन का नाम भी इन दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए हिलाल। पठान के सीने में दफन राज कयामत के दिन तक नहीं निकलते। तुम अपने लोगों को संभालो। आर्म्स एंड एमिनेशन का इंतजाम हो चुका है, टीवी कैमरा फुटेज और दूसरे टेक्निकल सपोर्ट तुम्हें वक्त आने पर मिल जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए तो? एक ऐसा बंदा जिसे अपनी मौत की परवाह ना हो बल्कि अपने वजूद से भी नफरत करता हो, जो मेरे मिसाइल की तरह निशाने को नेस्तनाबूद करके खुद को खत्म कर दे। ऐसा बंदा तो है मेरे पास, मेरा बच्चा अल्ताफ। पर है कहां आपका ये अल्ताफ इस वक्त? हिंदुस्तान की सरहद पार कर रहा होगा। Thank you.
मुझे तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी जीप और तुम्हारा वायरलेस चाहिए। और हाँ, शुक्रिया। बीएसएफ चेक पोस्ट, एसएसपी खान से मिलना है। मतलब आईजी साहब, ऊपर जाके राइट ले लीजिए। शुक्रिया। एसटीएफ और आर्मी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, तुम कोटीबाग स्टेशन जाओ और वहां के ऑफिसर को जाके मिल लो। ओके जी। आईजी खान से मिलना है। जी जनाब। एसएसपी खान से मिलने आया था। एसएसपी खान?